जब हमारे जीवन में हमारा बहुत सौभाग्य प्रकट होता है तब हम भगवान की कथा सुनने का लाभ प्राप्त कर पाते हैं। सभी कथाओं का केवल एक प्रयोजन है कि जो संसार में हमारा आना हुआ है, हमारा जो जीवन हमें मिला है, उस जीवन को जीते हुए अपने जीवन यात्रा में हम अधिक से अधिक उत्तम कर्म कर सके, उत्कृष्ट कर्म, अच्छे कर्म। हमारे भीतर जो कुविचार है, जो दोष है, उसको हम अपने प्रयासों से विचार करके, सत्संग करके, अपने ऊपर संयम करके अपने जीवन से उसे दूर कर सकें। और इतना जब हम कर लिए तो आगे हमें क्या करना है? आगे हमें अपने स्वच्छ मन को, सुंदर मन को भगवान के चरणों में लगाना है। अब भगवान के चरणों में लगेगा कैसे? किसी से किसी का लगाव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमें उनके बारे में ठीक ठीक से ज्ञान न हो। आपने सुना होगा, आपके सामने किसी व्यक्ति की तारीफ जब की जाती है तो केवल तारीफ सुन सुन के आपके मन में उससे मिलने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और जब कभी हम उससे मिल लेते हैं तो जैसी तारीफ हमने सुनी थी, जब वो व्यक्ति वैसा ही निकलता है ना, तो हम पूरी तरह उसके समक्ष स्वयं को समर्पित कर देते हैं। भगवान की कथा जो है ना, भगवान की एक तरह से तारीफ है। और एक तारीफ होता है संसार में ना, झूठा। झूठ में ही हमें लोग पुल पर चढ़ाते रहते हैं। पुल मतलब तो ठीक नहीं होगा, खजूर का पेड़ होता है ना, ताड़ का पेड़ जिसको कहते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। हमें मालूम है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब सामने वाला इतना तारीफ करता है तो हम स्वयं को मान लेते हैं कि हाँ, सचमुच हम अच्छे होंगे। इसे कहते हैं स्वयं की नजरों में गलतफहमी का शिकार होना। देखिए, जो मानव है ना, मनुष्य, उसे अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। स्कूल में हमें डिग्री चाहिए होता है तो ठीक है, हमारा मूल्यांकन हमारे अध्यापक करते हैं, पर जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में सुखी होने के लिए, जीवन में आनंद पाने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए हमें खुद ही अपने आप को नंबर देना होगा, और एकदम सही सही। तो कथा जो है वो भगवान की तारीफ है, झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ। कथा का केवल और सबसे प्रमुख प्रयोजन ये है कि संसार के अंदर जो हमारे भीतर राग है ना, हमको संसार कितना ठीक लगता है, कितना मीठा लगता है। मतलब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हमको शादी के बाद पति मिल गए, सास ससुर मिल गए, बच्चे मिल गए, नौकरी हो गई, घर बन गया, सब चलता आ रहा है, और हमारे भीतर थोड़ी सी भी ये भावना नहीं जन्म ले पाती है कि ये सब चल रहा है, सालों सालों से चल रहा है। इन सब का होना क्यों, किस लिए हो रहा है ये सब?
आपको बताते हैं एक बात। गृहस्थ जीवन की ना सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आप घर में तो रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, घर से भाग नहीं रहे हैं, मठ मंदिर में नहीं जा रहे हैं, घर में अपने परिवार की, अपने परिवार में जो भी सदस्य उनकी सेवा करते हुए आपके भीतर ये भाव आ जाए कि जिस संसार के पीछे हम इतने सालों से भाग रहे हैं, जिन रिश्तों को बनाने में एड़ी चोटी एक लगा दे रहे हैं, परिश्रम कर करके थक जा रहे हैं, जिन चीजों को पाने के लिए असल में वो जीवन में पाने के लायक चीजें होती नहीं है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ जो हमारे लिए प्राप्तव्य है, हमको कौन सी चीज पानी चाहिए, वो हमारा अपना स्वरूप, और दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान के साथ जुड़ने की एक उपलब्धि। भगवान को पाने की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम आपसे केवल ये कह रहे हैं कि भगवान को अपने जीवन से जोड़िए। जब हम भगवान को जीवन से जोड़ते हैं तो धीरे धीरे भगवान के साथ हमारा प्रेम बढ़ता है और अपने आप फिर संसार से हमारा मोह भंग हो जाता है। कथा का ये प्रयोजन है, अपना विश्लेषण, अपना आत्मनिरीक्षण आप सब करते रहिए। कथा के बीच बीच में, कथा में आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस पर भी विचार करते रहिएगा। अगर बैठे बैठे मन कहीं चला जाए और जैसे ही होश आए कि अरे हम तो बैठे हैं शीतला महादेव मंदिर में और पहुंच गए धर्मशाला में, तो मन से कहिएगा हे मनीराम अभी यहीं बैठिए, बाद में चलेंगे पूरी तरह से, मतलब मन को शरीर के साथ ले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। मंगल आचरण को संस्कृत में मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण मतलब भगवान से प्रार्थना, भगवान की स्तुति कि हे मालिक, हे परमात्मा, हम जिस कार्य में लग रहे हैं उस कार्य में जो भी विघ्न उत्पन्न हो उसे आप दूर रखिएगा, विघ्नों को हमारे इस कार्य में आने से रोक कर रखिएगा। आपको पता है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना तो दुनिया भर की कठिनाइयां आती हैं जीवन में। कल शोभा यात्रा था, कितने ढेर सारे लोग आए थे, आज बहुत सारे लोग जो कल आए थे आज नहीं आ पाए। ऐसा नहीं है कि उनका किसी बड़े व्यक्ति से मीटिंग है, कोई बहुत बड़ा उनको काम करना है, घर में ही होंगे सब लोग, लेकिन छोटे छोटे कामों में माया ने उलझा रखा है, तो ये भी एक तरह का विघ्न है। भगवान ऐसी बुद्धि हमारी बना के रखिएगा कि आज से लेकर कथा जब तक चल रही है, जब तक कथा का विश्राम नहीं होता, तब तक हमारा तबीयत, हमारा मन, हमारे घर की स्थिति और हम सुखी रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें। कथा सुनने के बाद अगर मर गए तो कोई बात नहीं, वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, वो तो बहुत सुनते सुनते मर जाए तो भी ठीक है, लोक में जा, देखो कितने पुण्य आत्मा थे, भागवत कथा सुनते सुनते प्राण त्याग दिए, परम योगी थे। तो मंगलाचरण हम लोग करते हैं, आप लोग आंख बंद करके भगवान का सुमिरन करिएगा।
सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है जो पहला स्कंद है, उसमें जो पहला अध्याय आता है उसका पहला श्लोक। इसमें बताया गया है ना कि परमात्मा कैसा है। आपको पता है परमात्मा कैसा है? पता है, सबको मालूम है, सबको पता है परमात्मा कैसा है। जिसका रंग नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जिसका नाम नहीं है, जो यहां भी है वहां भी है, कल भी था आज है और कल रहेगा। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सब खेल में मेल में तू ही तू है। हर देश में तू,
से गिरा जल हो कर के बादल से गिरा जल हो कर के फिर नहर बनी नदियाँ गहरी फिर नहर बनी नदियाँ गहरी तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही जीव जगत का रूप लिया सब जीव जगत का रूप लिया चींटी से भी अणु परमाणु बना सब जीव जगत का रूप लिया सब जीव जगत का रूप लिया कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना सब खेल खेल में तू ही तू है हर देश में तू हर वेश में तू भगवान हर जगह है कण कण में है। देखो जो भगवान के भक्त हुए जिनका हृदय काव्य से भरा हुआ था काव्य समझते हैं ना आप लोग जो कहानी में अपनी बात नहीं कहते कविता में अपनी बात कहते जिनके कहने में मिठास और उन शब्दों में गेयता होती है वो लोग इतनी गूढ़ बातों को जो संस्कृत के श्लोकों में है वेद के मंत्रों में है बहुत सरल तरीके से हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिए। एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद उसमें भी परमात्मा के विषय में कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् इस जगत का जो भी कण है ना उस कण में परमात्मा विराजमान है। अब जब ये बात हम सुनते हैं तो इस बात को समझते हुए भी आगे बढ़ना है कि ये 100% सच है कि कण में कण कण में मालिक है लेकिन हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम एक एक कण में भगवान को देख सकें अपने घर के दीवालों में देख सकें अपने आसपास के वृक्षों में देख सकें
पशु पक्षियों में देख सके, अपने भीतर और अपने से बाहर मिलने जुलने वाले इंसानों के भीतर देख सके। नहीं देख पाते हम, एक पल के लिए भावना आती है हमारे भीतर, लेकिन वो व्यवहार में इतना ज्यादा हम डूबे होते हैं जिसके कारण भावना टिक नहीं पाती है। अब ये भाव कहां प्रबल हो, कहां हम भगवान का अनुभव करें। ये अनुभव को आसान बनाने के लिए ना जो संत महात्मा ऋषि जन हुए, उन्होंने फिर भगवान के निराकार रूप को साकार रूप देना शुरू किया कि पूरे संसार में हम भगवतमय भाव साधना के प्रारंभिक काल में नहीं बना पाते हैं, कोई बात नहीं। एक ऐसा जगह हम आपको देते हैं जहां आप जाएंगे तो आपका मन अपने आप भक्ति से भर जाएगा, और वो है देवालय, भगवान का घर, मंदिर, शिवलिंग। ये एक ऐसे तीर्थ स्थल, ये एक ऐसे जगह है ना कि जैसे ही आप उस जगह पर जाएंगे आपका विचार अपने आप उस जगह के प्रभाव से शुद्ध हो जाएगा और आपको अनुभव होगा कि सामने भगवान है, इनको स्नान कराना है, इनको प्रणाम करना है, इनसे अपने मन की बात कहनी है। तो जो निराकार परमात्मा है, जो ज्ञानी जन है, वो तो उस परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं, पर जो हमारे और आप जैसे प्रारंभिक काल के साधक हैं, उनके लिए वो बहुत कठिन होता है। इसलिए ये हमारे जो देवालय हैं, हमारे साधना का सबसे प्रमुख केंद्र बन जाता है। भगवान के बारे में उनका वर्णन करते हुए भागवत जी के पहले श्लोक में कहा गया है, सच्चित आनंद रूप परमात्मा है। अब देखिए तीन शब्द है ना, सत है, चित है, आनंद है। ऐसा नहीं है कि सत एक अलग वस्तु है, चित एक अलग वस्तु है और आनंद एक अलग वस्तु है। परमात्मा एक ऐसा स्वरूप है कि वो है तो एक ही, लेकिन अगर आज के भाषा में हम उसको कहना तो 3D पिक्चर आप देखते हैं, अगर आप 3D टेलीविजन रखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हीरो, कार्टून, डाकू टीवी के बाहर आके लड़ रहा है, और अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप डर भी जाएंगे, अरे कमरे में ही आ गया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड डायमेंशन, मतलब जिधर से देखोगे ना उधर से आपको वो ऐसे लगेगा कि आपको ही देख रहा है। आप कभी कभी इस बात को समझने के लिए भगवान के प्रतिमा को, भगवान के चित्र को देखिए, आप थोड़ा किनारे जाके देखेंगे ना तब भी लगेगा कि भगवान आपको निहार रहे हैं। पता नहीं कितने सूक्ष्म और कितने संवेदनशील कलाकार मतलब भगवान के चित्र को बनाए। जो भगवान सत है वही भगवान चित स्वरूप है और वही परमात्मा आनंद स्वरूप है। अब सत क्या है? सत मतलब सत्य। सत्य की एक बहुत सरल परिभाषा और व्याख्या ये समझिए कि जो चीजें बदलती नजर आए वो कभी सच नहीं है। अब अगर इसको अपने जीवन में घटाइए तो आपको एक बात मिलेगा, आपका यह शरीर सच है कि झूठ है? व्यवहार काल में सच है पूरा, लेकिन ये परमार्थ में ये असत्य ही है। जो नमक होता है वो आप सुबह खाइए, शाम को खाइए, 2 साल बाद खाइए, 4 साल बाद खाइए, आज तक आपको लगा क्या कि
ये नमक भी झूठा है। नमक तो एक जैसा ही रहता है ना। आग बचपन में कभी तवे पे रोटी बनाते समय अगर हाथ में तवे का सेक लग गया तो जो जलन उस समय हुई अगर गलती से आज भी लग जाए तो कैसा होगा? वैसा होगा। तो जैसे ये जो तत्व है ना, अग्नि है, नमकीन है, कभी बदलता नहीं, हमेशा एक जैसा होता है मूल रूप से, वैसे परमात्मा स्वरूपतः कभी बदलते नहीं, हमेशा एक रस होते हैं। अब दूसरी बाद जो है चिद, उसको समझने के लिए आप ये बात जान लीजिए कि चिद का एक शब्दार्थ जो है सामान्य अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान स्वरूप। अब जो ज्ञान स्वरूप है उसे कैसे समझेंगे? एक चीज को आप जब पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ देर बाद जब आपका वो प्रयास सफल होता है तो आपको लगता है अच्छा अब हमको मोबाइल चलाना आ गया। मतलब ज्ञान क्या है ना, एक प्रकाश दिखाने वाला एक वस्तु है, एक तत्व है। हम जीव लोग अज्ञानी होते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करके अपने ज्ञान को दूर करते हैं और एक एक चीज पढ़ते रहते हैं और हमारा नया नया ज्ञान बढ़ता रहता है। भूगोल का ज्ञान है, विज्ञान है, गणित है, दुनिया भर के विषय हैं, संगीत है, नृत्य है, ये सब ज्ञान के विभिन्न विधाएं हैं। लेकिन इन सबको एक तरह से लौकिक ज्ञान कहा गया है। संसार में जीवन निर्वाह करने वाला ज्ञान ही होता है। जो असली ज्ञान है ना, वो तो है अपने आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। जब ये हमें हो जाता है, जब हम इस ज्ञान में सफल हो जाते हैं तो फिर हमें किसी तरह का कष्ट, दुख, कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाता, हमें विचलित नहीं कर पाता। परमात्मा दीपक की तरह है। मतलब दीपक में वो उस पॉट को नहीं बोल रहा हूं जिसमें तेल और बत्ती लगा होता है। दीपक उसे कहते हैं जो बत्ती के ऊपर प्रज्वलित ना एक प्रकाशमान किरण है, वो पूरा किरण प्रकाश से भरा हुआ है। उनको ज्ञान लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके भीतर ज्ञान है। जैसे मान लीजिए अमीर आदमी, समझते हैं अमीर आदमी किसको कहते हैं, जिसका खुले बाजार में ख्याति हो कि इनके जेब, इनके गाड़ी, इनके अकाउंट सब पैसे से लबालब भरे रहते हैं। तो उनके पास कोई भी व्यक्ति जाएगा जो उनका प्रिय होगा, उसको निकाल के एक गड्डी हजार हजार वाली दे देंगे। ऐसे ही भगवान धनवान की बात नहीं है, भगवान ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप है। जब हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं, उनका बनते हैं, उन्हें अपना जब बनाते हैं तो जो उनके पास है ना उससे हम लाभान्वित होते हैं, हमको लाभ प्राप्त होता है। सद हो गया, चिद हो गया, सच्चिद आनंद। देखिए जीवन में ना एक शब्द है सुख, दुख, लाभ उसका उल्टा हान, जीवन उसका मरण। इस तरह के ना जो सकारात्मक शब्द हैं उसके ठीक साथ साथ एक नकारात्मक शब्द भी प्रयोग में देखे जाते हैं और पाए जाते हैं। परंतु जो आनंद स्वरूप है ना, इसका कोई विकल्प नहीं है। आनंद के बाद अपग्रेड होके परमानंद हो जाता है। जैसे बच्चा है ना, वो जब जन्म ले लेता है तो छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है। अगर बड़ा नहीं हुआ तो मोटा जरूर हो जाएगा।
ऐसे आनंद से हमेशा परमानंद की स्थिति में हम जाते हैं। आनंद के बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसा अनुभव है जो वस्तु सापेक्ष नहीं है। मतलब सापेक्ष की बात ऐसे समझेंगे कि किसी चीज से हमें आनंद नहीं मिल सकता, किसी चीज से हमें केवल सुख मिल सकता है। लेकिन जब हमारी समझ ठीक हो जाती है ना, तो हम ये वस्तु से सुख लेने की जो कोशिश है उसको बंद कर देते हैं और जहां से आनंद मिलता है, जो आनंद का स्रोत है, हम वहां पहुंचकर उस अनुभव को लेना प्राप्त करते हैं। सत चित आनंद। अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई भी शंका होगा ना, मन में भ्रम होगा, तो विनती है आप सबसे कि आप पूछिएगा जरूर। आपका मन करे तो आप हमसे पूछें। तो अपने भीतर जो भी शंका है ना, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। सहमत है आप लोग हमारी बात से? देखिए, जो हम आपको कथा सुना रहे हैं ना, जितनी बार हमने कथा की नहीं होगी, उससे अधिक बार आप लोगों ने कथाएं सुन ली होंगी। भगवान की कथा का सबसे सार्थक स्वरूप क्या है कि जब हम मिल करके जीवन के कल्याणकारी विषयों पर विचार करें, और विचार ही न करें, जो हमें सही लग रहा है उस पर संकल्प लेकर के अमल करें। अभी तक की जो हमने बात आप सबके साथ साझा की, उसमें एक सार ये समझ लीजिए कि गृहस्थ जीवन में, अगर गृहस्थ जीवन जीते जीते आपको अनासक्ति का भाव प्राप्त हो गया, तो आप बधाई के पात्र हैं। बैरागी की बात हम नहीं कर रहे हैं, अनासक्त की भाव। जैसे पहले जाते थे तो पति से रोज झुमके खरीदवाते थे, हाँ, हर महीने साड़ी मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या। लेकिन जब आप बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो आपको लगने लगा कि क्या रखा है, लाल पीला नीला काला कितना भी पहन लो, इनमें सुख नहीं रखा हुआ है। तो गृहस्थ जीवन में हमको देखना है कि हमको कितना वैराग्य प्राप्त हुआ है, अनासक्त भाव हमारे भीतर कितना विकसित हुआ है। अब ये भगवान का जो दूसरा ये श्लोक का जो हाफ है ना, तो 1/4, अभी एक हाफ में से हाफ हम लोग सुने, आधा जो है, आधे का आधा भी बचा हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, जो इस सृष्टि है ना, जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, परमात्मा उसके उद्भव का, उद्गम का सबसे बड़ा एकमात्र कारण है। उन्हीं की इच्छा से सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि का संचालन होता है, और हम आप अपनी जिंदगी को जी पाते हैं। जब बहुत कुछ हम हद से पार चले जाते हैं, तो फिर अपनी भ्रिकुटी को ना, वो थोड़ा सा पलक को झपकाते हैं, अभी वो एरिया के जितने पापी लोग हैं ना, सब उनका उधर से सफाया हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
जो जीवन में तीन ताप है ना, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीनों से परमात्मा हमें बचाते हैं।